अभी जो मैं रिजल्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था जिसमें कि कोफिशियंट ऑफ रिएक्शन ई के टर्म में बात हुई थी हेड ऑन कोलिजन का, बस उसी प्रॉब्लम को लेके मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन ले रहा हूँ मैं, मतलब ई इक्वल टू वन। तो पिछले वाले रिजल्ट में ई इक्वल टू वन यदि प्लेस कर देंगे तो क्या होएगा कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल या फर्स्ट बॉडी विल बी इक्वल टू एम वन माइनस एम टू बाय एम वन प्लस एम टू इंटू यू वन प्लस 2m2 by m1 plus m2 into u2। v2 कैसे निकालेंगे? तो subscript 1 को 2 से replace कर दीजिए, you will get v2। अब यहाँ पे इसके कई सारे आपके special results हैं जो याद रखेंगे तो काफी जल्दी आप problem को solve कर सकते हैं। उनमें से पहला सबसे important result ये है, यदि दोनों masses identical हुए, a collision elastic हो गई, head on इलास्टिक कोलिजन, दैट मीन स्ट्रेट टू स्ट्रेट कोलिजन हुई और आइडेंटिकल मासेस हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो आइडेंटिकल मास है तो m1 इक्वल टू m2, तो m1 इक्वल टू m2 प्लेस कर दीजिएगा सब जगह पे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे v1 के वैल्यू u2 के इक्वल आ जाएगी, v2 के वैल्यू u1 के इक्वल आ जाएगी। मतलब ये हो गया कि आइडेंटिकल मासेस हो, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हो, तो उस केस में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। यदि ये पहला बॉडी है, दूसरा बॉडी, दोनों की मास आइडेंटिकल है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये आके इसको कोलाइड किया हेड ऑन इलास्टिकली, तो कोलिजन के बाद अब इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई और दूसरे वाले बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई। मतलब वेलोसिटी क्या हो गया आपका? एक्सचेंज हो गया। अब देखिए सेकंड केस, अब ये देखिए यहाँ पे ये एक बॉडी है, दूसरा बॉडी ये है, दोनों की मासेस आइडेंटिकल हैं, ये 5 मीटर पर सेकंड और ये 2 मीटर पर सेकंड के साथ एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है और हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करा, तो अब पहले वाले बॉडी की वेलोसिटी जो हो जाएगी ना, वो हो जाएगी दूसरे के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स जो दूसरा वाला बॉडी का वेलोसिटी कोलिजन के पहले 2 मीटर पर सेकंड था वो अब पहले का हो गया, तो ये वाली बॉडी की वेलोसिटी इधर 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और ये वाले बॉडी की वेलोसिटी इस साइड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाते हैं इलास्टिक कोलिजन में यदि यहाँ पे आइडेंटिकल मासेस हेड ऑन कोलाइड करें तो। तो ये रिजल्ट काफी काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर से इसको ध्यान में रखना, कई दफे आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में या डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कई जगह पे, राइट। अब हम लोग और भी स्पेशल केस इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं कि इसके और कई सारे स्पेशल केसेस हैं जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे जो भी रिजल्ट मैं डिस्कस कर रहा था उसका और स्पेशल केस देखते हैं। अब बात यहां पर क्या है कि पीछे वाला जो मास m1 है जिसकी वेलोसिटी u1 है, उसकी मास जो है m1 की वैल्यू m2 के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा है। तो देखिए अब यहाँ पे कि क्या होगा कि m1 ग्रेटर ग्रेटर देन m2 हो गया, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे m2, यहाँ m2 नेग्लेक्ट हो गया, तो m1 बाय m1 यानी 1 के इक्वल आ गया, तो v1 की वैल्यू होगी u1 प्लस 2m2 बाय m1, 2m2 by m1 क्योंकि यहाँ पे m2 को निगलेक्ट कर देंगे। फिर से जब m2 by m1 को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि m2 की वैल्यू बहुत ही कम है m1 के रिस्पेक्ट में, तो ये नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाएगा, तो अप्रॉक्सिमेटली जो वेलोसिटी इस बॉडी की होगी जिसकी बहुत ही ज्यादा हैवी मास है वो अप्रॉक्सिमेटली u1 के इक्वली होगी। दैट मीन्स जो हेवियर बॉडी है, जो बहुत ही ज्यादा हैवी बॉडी है, मतलब एक 100 केजी का बॉडी 1 केजी के बॉडी के साथ कोलाइड कर रहा है, तो 100 केजी के बॉडी की जो वेलोसिटी u1 है उसके ऊपर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा आफ्टर द कोलिजन। सारे प्रॉब्लम में जो भी हम लोग बात कर रहे हैं उसमें पीछे वाले बॉडी की जो वेलोसिटी यहाँ पे u1 वो u2 से ज्यादा होनी चाहिए, राइट, तभी तो जाके कोलिजन पॉसिबल है यदि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये बात एक ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे अब छोटे वाले बॉडी की वेलोसिटी देखते हैं कि क्या होगी, तो छोटे वाले बॉडी की वेलोसिटी जो होगी वो आपकी कोलिजन के बाद जो हो जाएगी वो होगी माइनस यू टू प्लस टू यू वन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो सोच सकते हैं आप, इसी से अप्रोक्सिमेशन करके ये रिजल्ट आता है, राइट, माइनस यू टू प्लस टू यू वन, दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्मॉलर बॉडी आफ्टर द कोलिजन, राइट। तो ये कब है? जब एम वन की वैल्यू एम टू से बहुत ही ज्यादा हो। अब अगला एक और रिजल्ट है जिसमें m2 ग्रेटर ग्रेटर देन m1 ले लेंगे हम लोग, अब उसमें देखते हैं कि क्या होएगा। यहां पे थर्ड स्पेशल केस के ऊपर बात करने जा रहे हैं और देखते हैं ये केस क्या है। इसमें क्या है कि अब आगे वाले की मास बहुत ही ज्यादा है और पीछे वाले की मास रिलेटिवली बहुत ही कम है, राइट, तो इस केस में क्या होगा, m2 ग्रेटर ग्रेटर देन m1 है, मान के आप चले कि एक काफी हैवी वॉल है जो आगे कुछ वेलोसिटी से चल रहा है और उसके पीछे एक छोटा सा बॉल है जो कि कोलाइड कर रहा है एक हैवी वॉल से,
राइट right? तो उस केस में हम लोग देखेंगे क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी जो होगी v1, जो इसकी मास काफी कम है, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी माइनस ऑफ u1 प्लस 2u2। वहीं पे आगे वाले बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो अप्रोक्सीमेटली वही रह जाएगी जो पहले थी। अब जैसे आप देखिए, यदि मैं मान के चलूं कि आगे वाले बॉडी की वेलोसिटी जीरो ले लेते हैं, मतलब u2 जीरो ले लेते हैं, दैट मीन्स एक वॉल है, फिक्स्ड वॉल है, फिक्स्ड वॉल के साथ एक छोटा सा बॉडी कोलाइड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि यदि u2 मैं जीरो ले लेता हूं तो v1 माइनस u1 के इक्वल हो जाता है और v2 जीरो के इक्वल हो जाएगा, मतलब वॉल तो रेस्ट में ही रहेगा कोलिजन के बाद, और जो छोटा सा बॉडी जो वॉल के साथ कोलाइड कर रहा था वो सेम स्पीड के साथ क्या कर रहा है, लौट के आ रहा है, बात वही है। तो ये सारे काफी स्पेशल केसेस हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, इसको ध्यान में रखने से काफी प्रॉब्लम्स में ये आपको हेल्प आउट करेगा, राइट। अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और की पॉइंट्स के ऊपर। m2 की मास जो है n टाइम्स ऑफ m1 है, मतलब m2 की मास हो सकती है ट्वाइस ऑफ m1 हो जाए, थ्राइस ऑफ m1 हो जाए, तो m2 की मास n टाइम्स ऑफ m1 है, ये दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, u1 की वेलोसिटी u ले लेते हैं और u2 की वेलोसिटी 0 ले लेते हैं, राइट। जब ऐसा होगा तो या तो आप जनरल कॉन्सेप्ट से निकाल लीजिए v1 v2 बाय यूजिंग द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके, या यही वैल्यू इस रिजल्ट पे प्लेस कर दीजिए। जब ये प्लेस करेंगे तो v1 की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस एन बाय 1 प्लस एन इंटू यू, v2 की वैल्यू आ जाएगी 2u डिवाइड बाय 1 प्लस एन, राइट। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये पूछा जाता है कि फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय m1, मतलब m1 अपने पास कितना फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रखा हुआ है। तो सपोज मैं कहूं कि मेरे पास 10 जूल एनर्जी थी, बाद में मेरे पास रह गई 4 जूल एनर्जी, तो मैंने फ्रैक्शन मेरे पास कितनी रही काइनेटिक एनर्जी की, 4/10, वही वाली बात यहां पे है। तो यहां पे देखिए, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय m1 हो जाएगा हाफ mv1 स्क्वायर, क्योंकि m1 की मास m के इक्वल है। फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय m1 क्या होगा, m1 की मास चूंकि m के इक्वल है तो बाद में इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर, कोलिजन के पहले हाफ mu स्क्वायर, यही होगी फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बाकी आप जब कैलकुलेट करेंगे v1 की वैल्यू प्लेस करेंगे यहां पे, ये वाली वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आएगा 1 माइनस एन बाय 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, मतलब फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन्ड बाय m1 दैट मीन बाय द मास m will be equal to 1 minus n by 1 plus n का whole square। अब इसी में दूसरा पूछा जाता है fraction of kinetic energy transferred, तो obvious बात है दोनों fraction का sum 1 के equal होगा, तो मैं इसे जो है 1 से subtract कर दूंगा, जब ये काम करेंगे तो 4n upon 1 plus n का whole square, this will be the fraction of kinetic energy transferred by m to the mass nm, right। तो ये रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसको ध्यान में रखना, बहुत दफे यूज होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से अब तक हमने जो रिजल्ट डिस्कस किया वो इलास्टिक कोलिजंस रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट सब रिजल्ट के ऊपर मैंने डिस्कस करा है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे।